आज एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ मैं। देखकर बताना कैसी बनी। और ये तैयार कर ली है तो पूरी डिटेल अभी दिखाऊंगी। इसको दिल में आए तो मैंने आंवले का अचार भी बना रखा है, आम का भी बना रखा है, जिस चीज़ के साथ चाय खा सकते हैं। और अपने हरियाणा में इसको मीठे के साथ भी खाते हैं, शक्कर के साथ भी खा लेते हैं, बूरा के साथ भी खा लेते हैं, मीठे के साथ घी बूरा या घी शक्कर डाल के। कई जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो ऐसे ही खाते थे। तो आपकी मर्जी, नमकीन के साथ खाएं या मीठे के साथ। मेरे बने कैसे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऑल बटन ज़रूर दबाना, ताकि आपके पास नई 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 वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो करती हूँ मैं वीडियो कंटिन्यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए ऐसे ही वीडियो में।
दोस्तों, सरप्राइज़ ख़त्म करते हैं और बताती हूँ। मैंने ये धागे वाली मिश्री ली और इसको अपने अंदाज से डाल लिया मैंने। आपने जिस हिसाब से बनाने हों उस हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अपने अंदाजे से डाला है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि थोड़ा बहुत मिट्टी सी होती है इसमें, तो करकराहट ना आए, पूरे ख़राब ना बने, इसलिए मैंने पहले इसको वॉश किया और धो के और ये पानी को निकाल दिया। और फिर मैंने अंदाजे से एक गिलास पानी डाल दिया, क्योंकि ज़रूरत होगी तो मैं जब आटा बनाऊंगी, पूड़ों का तैयार करूंगी, तो उसमें फिर मैं और डाल लूंगी। तो अभी मैंने एक गिलास ही डाला है। अब इसको गैस पे रख के और थोड़ा बीच बीच में चलाती रही मैं, और जब ये बॉयल हो गया और अच्छे से मिश्री इसमें पानी में घुल गई, तो मैंने गैस को बंद करके कुछ देर के लिए ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ज़्यादा ठंडा होने की इंतज़ार नहीं करनी हमें, थोड़ा सा गुनगुने पानी में ही आटे को बनाना है मिक्सचर इसका, जो पूड़ों के लिए थोड़ा सा गुनगुने पानी में अच्छे से, उसमें गाँठे वगैरह नहीं पड़ेंगी। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं कि किस तरह बनाई हैं। ये सरप्राइज़ था, ये भी ख़त्म हो गया। आप सभी को वीडियो कैसी लगी, पूड़े कैसे लगे, बना के देखिए, फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको पसंद आए या आपके ठीक बने। और उम्मीद है इस तरह बनाएंगे तो आपके भी ठीक बनेंगे, और इसी तरह मेरा साथ बनाए रखना। और जो चैनल पे नए आए, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरा साथ ऐसे ही बनाए रखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देख के पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हाँ दोस्तों, जब हम मिक्सचर बनाएंगे तो एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें धागे होते हैं और थोड़ा बहुत नीचे कुछ करकराहट वगैरह हो, इसलिए इस पानी को आटा बनाते समय छानना ज़रूर है, वो ध्यान रखिएगा।